हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। आज मैं फिर से लौट आया एक बहुत अच्छी चीज के वीडियो के लिए। वो क्या है? वो है जी ग्राफिक्स EQ। मार्केट में अभी बहुत कंपनी ने ग्राफिक्स इक्वलाइजर लॉन्च किया, पर उनके बीच में से आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है आपके बजट के अंदर, इसके लिए ही स्पेशली आप लोगों के लिए मैं लाया हूं एक बजट फ्रेंडली 15 बैंड इक्वलाइजर कंपनी। रुकिए जरा। सो गाइस, इट्स हैपन टू बी एम प्रो EQ 1500 15 बैंड इक्वलाइजर। सो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट लुक कैसा है। रुकिए, आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा बहुत ऐसी वीडियोस जो अभी तक किसी ने ना लाया हो। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट लुक। सो गाइस, टडा, दिस इज एम प्रो इक्वलाइजर। फर्स्ट लुक में ही ये मेरा नजर काट लिया था, क्योंकि ऐसा क्या है इसके अंदर ये आप लोग सोच रहे होंगे। सो, इसके अंदर आपको एक नया तरह का डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि है ये आउटपुट लेवल का। सच मानिए, आप जब इसको ऑपरेट करेंगे ना, इतना प्यारा लगेगा देखने को, सिर्फ देखने से ही आपका मन भर जाएगा। और ये तो दोस्तों देखने का चीज नहीं है, सुनने का चीज है। तो फिर इसका साउंड अगर आप सुने तो फिर आप भी हैरान रह जाओगे कि क्या है भैया, इस बजट में क्या दे दिया हम लोगों को। मार्केट में अभी बहुत इक्वलाइजर है पर बहुत बजट में आता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं चलो कोई ऐसा इक्यू ले ले कि हम सभी जगह में यूज कर पाए। सो इसके लिए एम प्रो द बेस्ट। और बात आए स्टेज प्रोग्राम की, तो अगर आप इस इक्यू को स्टेज के वोकल के लिए यूज करें तो सच मानिए दोस्तों, वोकल का क्वालिटी क्या निखर के बाहर आता है। आप अगर यूज नहीं करोगे ना तो पता नहीं चलेगा। मैं आप लोगों के सामने जब साउंड टेस्ट रखूंगा तो खुद ही सुन लेना कि इसका वोकल कैसे निखर के बाहर आता है। और अगर बात करूं इसका बेस क्वालिटी का, सो अगर आप रोड शो स्पेशली लाइक करते हैं और अगर कंपटीशन माइक आपके पास अवेलेबल है, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि हैंडमेड EQ यूज कर लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों इसको एक बार यूज करके देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि किसका क्वालिटी किस जगह पे जा रहा है। सो ज्यादा बात करते ना हुए इसका पावर ऑन कर लेते हैं। सो दोस्तों, अगर बात कर ले फ्रंट लुक का, तो फ्रंट लुक में पहले देख लीजिए कंपनी का अच्छे से लोगो प्रिंट किया हुआ है, और उसके बाद देखने को मिलता है हम लोगों को दो चैनल लेफ्ट और राइट के लिए। आप मान लो कि अगर आप प्रोग्राम सेटअप के लिए करना चाहते हो तो एक साइड पे आप बेस, एक साइड पे टॉप यूज कर सकते हो। तो देख लेते हैं हम फ्रंट लुक में। फ्रंट लुक में सबसे मुझे जो अच्छा चीज लगा, यह आउटपुट लेवल। आउटपुट लेवल बहुत ही स्वीट सा दिखता है जब ये इक्वलाइजर रन करता है। और इसके अंदर जो ये वॉल्यूम है, ये है इस इक्वलाइजर का मेन वॉल्यूम। इस वॉल्यूम कंट्रोल को अगर आप हाथ से पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करते जाओ तो फिर आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि इसका क्वालिटी कितना प्रीमियम सा है। और इधर हमें देखने मिलता है एक EQ बाईपास का स्विच। ये है ब्लिंकर स्विच, जो लाइट सिग्नल के साथ आता है कि हमें अंधेरे में भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आ जाता है EQ बाईपास। इसके ऊपर आ जाता है क्लिप। क्लिप कंट्रोल ऐसा है कि अगर आप ओवर साउंड पे रन कर रहे हो तो ये आपको सूचित करेगा कि भैया अब रुक जाओ। और इसके बाद हम देखेंगे ये जो स्विच है दोस्तों, ये है लो कट। अगर आप इस साइड में टॉप्स चला रहे हो मिड बैंड में, अगर चाहते हो कि इसका थोड़ा बेस और थोड़ा कम हो जाए, इसका थोड़ा शार्पनेस बढ़ जाए, इसका रेंज बढ़ जाए, तो अगर लो पास अप कर लोगे ना तो वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। यह है रेंज। रेंज अगर आप दबा दो तो इक्वलाइजर और थोड़ा गेन होके आ जाता है आपके पास। सभी इक्वलाइजर बैंड एडजस्ट होने के बाद अगर आप रेंज दबा के चलाओ तो ऐसा टाइट सा आवाज़ निकलता है, वो आपको खुद को ही पता चल जाएगा। और यहाँ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स में 25 हर्ट्ज से लेकर 16 किलो हर्ट्ज तक का कंट्रोल फेडर दिया हुआ है, जो कि है पूरी तरह से 15 बैंड का।
और दोस्तों आप लोगों को पता ही है कौन सा बैंड किस लिए वर्क करता है, तो बारी आती है अब इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से बिल्ड किया हुआ है, देख लीजिए एक बार। इसका क्वालिटी का, पेंट का पूरा ध्यान से ख्याल रखा हुआ है, और सामने जो पेंट का क्वालिटी है मुझे लगता है पाउडर कोटिंग है, जिससे आपको कभी जंग नहीं आएगा। और इसका बैक साइड आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए बैक में आता है एसी के लिए एक प्लग पॉइंट, और उसके बाद आता है चैनल टू चैनल वन। इस इक्वलाइजर को अगर आप खरीदना चाहते हैं आपका लाइव स्टेज के लिए, डीजे के लिए या रोड शो के लिए, मान लीजिए सभी तरह से एक ऑलराउंडर है, सब कुछ में बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है इक्वलाइजर, और मार्केट में इसका प्राइस आता है सिर्फ और सिर्फ 6400 के अंदर। सो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू साउंड चेक। देखिए इसका वोकल, मैं जो बात कर रहा था इसका वोकल का क्वालिटी अगर आप देखें तो इसका वोकल शार्पनेस के साथ कितनी अच्छी तरीके से आपकी कान तक आ रहा है। देखिए इसका वोकल का जो क्वालिटी है, सच में दोस्तों मैं खुद यूज करता हूँ इसे स्टेज के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से सिंगर्स लोग एकदम से सेट हो जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होता, हो गया सेट बस ऐसे ही। और देखिए इसका जो फंक्शंस है, फंक्शंस के लिए आपको थोड़ा बैंड एडजस्ट करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैं बेस थोड़ा इंक्रीज कर दिया, लो कट अगर दबा दूं तो बेस कितना कमता है। हेलो 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 हेलो। और लो कट मैंने अभी ऑफ कर दिया। देखिए इसका जो यूक्यू बाईपास है, हेलो 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 हेलो, चिक 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 चिक, साउंड को कहां से कहां तक बूस्ट कर रहा है आप देखिए थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, ये है नॉर्मल साउंड जो माइक्रोफोन से आ रहा है, और ये है बूस्टेड साउंड, देखिए हेलो 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 चिक हेलो टेस्ट हेलो हेलो। और दोस्तों मेरे बहुत करीब एक मॉनिटर रखा हुआ है जो कि है 15 इंच में, फिर भी मुझे कोई सीटी का दिक्कत नहीं आ रहा है। दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं क्यों मैं इसे वोकल के लिए रिकमेंड करता हूं और क्यों मैं इसे वोकल के लिए यूज करता हूं। वोकल इतना निखर के ही बाहर आता है, इसीलिए मैं यूज करता हूं इसे वोकल मॉनिटर के लिए। और मैं जिन लोगों के लिए बता रहा था कि ये रोड शो के लिए भी बहुत अच्छा है, वो मैं एक सॉन्ग प्ले करके आप लोगों के सामने लाता हूँ अभी, आप खुद ही सुन लीजिए क्यों मैं बोल रहा था। सो मैं आप सॉन्ग्स प्ले करके दिखाता हूँ कैसा होता है इसका साउंड्स का आउटपुट म्यूजिक के लिए। देखिए दोस्तों मैं जो लो कट का बात कर रहा था सॉन्ग्स प्ले होते हुए, अभी नॉर्मल मोड पे है, मैं लो कट ऑन करूंगा और कहां तक बेस इसका घट जाता है देख लीजिए आप खुद ही। सो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा वीडियो, एक ऑनेस्ट रिव्यू। सच में फ्रेंड्स ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था,
ये चीज मैंने खुद लिया, एक महीने तक मैंने खुद यूज किया, उसके बाद ही इसके ऊपर मैं वीडियो ला रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने खुद यूज़ किया, कहाँ कहाँ यूज़ किया, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके ऊपर बेस करके मैंने अपना ओपिनियन दिया इस एम प्रो का EQ1500 के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।